दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टडी के अंदर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चों को परेशान कर देते हैं, और हम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इसकी जानकारी पहले दी जाती तो बच्चों के शायद क्वेश्चन भी ठीक हो जाते और डाउट या कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते। दोस्तों आज हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है। मॉडर्न हिस्ट्री के से पहले जब हम मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आपको दोनों ही चीजों का वर्णन मिलता है। कुछ राजाओं के साथ सुल्तान वर्ड लगाया जाता है तो कुछ राजाओं के साथ बादशाह वर्ड लगाया जाता है। बाबर जैसे लोगों के साथ बादशाह वर्ड यूज होता रहा है, तो रजिया या फिर उस समय के जितने भी सुल्तान हुए हैं उनके साथ सुल्तान वर्ड यूज होता था। बहुत से बच्चों को इसका पता भी होगा, बट जितने लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है या स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, सोशल साइट्स के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन वायरल होते हैं, तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर होता है। ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है मध्यकालीन भारत का। और जो लोग अवेयरनेस के हिसाब से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, या फिर टीचिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी प्रोफेशन में हैं जिनके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, क्योंकि जिन लोगों ने सालों से पढ़ाई नहीं की वो लोग केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर जा करके जब अपना सिक्का गाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में ये लालसा पैदा होती है कि काश मैंने भी बहुत कुछ सीखा होता। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और इसी के साथ साथ अब कोशिश ये करेंगे कि कई सारी वीडियोज ऐसे टॉपिकों की होंगी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद होता है या बहुत ज्यादा कंसेप्ट होते हैं। जैसे ये आज का टॉपिक है बादशाह और सुल्तान में अंतर बताएं। कभी कभी पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर होता है, यानी जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है। कभी कभी वकील और बैरिस्टर में अंतर पूछा जाता है, यानी काफी सारे टॉपिक, लगभग 50 से 60 टॉपिक ऐसे चुने हमने 2-4 दिन में देख करके, जिनके ऊपर बच्चों के बहुत डाउट रहते हैं और जिनका जो अंतर होता है वो बड़ा बेसिक सा होता है, माइनर सा होता है, लेकिन जब तक हमें नहीं पता होता है हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि जवाब क्या दें। यानी अगर समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं है, और ना समझ में आए तो हम उसके अंदर निल होते हैं, 0/0 होते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है जिसके बारे में आपको ये अंतर या जानकारी चाहिए कि ये क्या होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगले ही दिन आपके लिए हम उसी वीडियो को प्रेजेंट कर देंगे ताकि सभी बच्चों के डाउट को क्लियर किया जाए। तो ये चीजें दोस्तों हम अब शुरू कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ। आइए करते हैं शुरुआत आज की। सबसे पहले तो दोस्तों बादशाह और सुल्तान में जो अंतर होता है, यहां मैं दोनों शब्दों को लिख देता हूं, एक तरफ सुल्तान लिख दिया, दूसरी तरफ मैंने बादशाह वर्ड को लिख दिया। अब दोनों के लिए ही, दोनों ही वर्ड जो है वो मुसलमान राजाओं के लिए यूज किए जाते थे। भारत के अंदर आपको ध्यान है कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए, सिकंदर से लेकर के चंगेज खान, गजनवी से लेकर गोरी, और तैमूर से लेकर के बाबर। काफी सारे लोगों ने देश के ऊपर आक्रमण किए, देश को बुरी तरह लूटा, और देश के ऊपर सालों तक कुछ लोगों ने राज भी किया। इसी के अंदर अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो जितने भी आक्रमणकारी हैं, पहले तो काफी ऐसे आक्रमणकारी होते थे, लुटेरे होते थे, जो बैंक लुटेरों की तरह आक्रमण करते थे, धन दौलत लूटते थे और अपने देश भाग जाते थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लुटेरे रहे जिन्होंने देश को लूटा भी, और जमकर लूटा, स्थायी रूप से शासन भी किया, और सालों तक देश को गुलाम बना के भी रखा। तो इसी की शुरुआत कहते हैं गोरी के समय में हुई थी। मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को 1191-92 के तराइन के युद्धों में हराया, तो उसने भारत के अंदर स्थायी रूप से शासन करने का फैसला किया। और भारत के अंदर जितनी भी डायनेस्टी रही हैं, चाहे आपकी गुलाम वंश हो, चाहे आपका गुलाम वंश हो, चाहे इसी के साथ साथ जैसे हम लोग स्टार्टिंग में गुलाम वंश को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, चाहे आपका तुगलक वंश हो, चाहे आपका खिलजी वंश हो, चाहे आपका लोधी वंश हो, चाहे आपका मुगल वंश हो, जो बड़ी बड़ी डायनेस्टी इंडिया में रही हैं, इन्हीं से इन सभी का रिलेशन माना जाता है, सुल्तान का भी और बादशाह का भी। लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है, वो अंतर आप देखेंगे। सुल्तान जो वर्ड है वो सल्तनत के सबसे बड़े व्यक्ति के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब मुसलमान राजा किसी एरिया पर राज करते थे तो उस एरिया को, अपने राज्य को, वो सल्तनत कहते थे।
और सल्तनत के ऊपर उन्हें राज करने का जो अधिकार है, उनके जो बड़े बड़े धर्म धर्म गुरु हुआ करते थे, बड़े बड़े खलीफा जैसे लोग हुआ करते थे, वो लोग उन्हें राज करने का अधिकार देते थे, उन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता था। इनके यहाँ एक रिवाज माना जाता था कि सबसे ऊपर जो है वो अल्लाह होता है, और बीच में जो होता है वो खलीफा मान लीजिए या फिर जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं वो हुआ करते थे, और उनसे नीचे जो है वो सुल्तान यानी राजा हुआ करता था। सुल्तान जो है वो इन खलीफाओं से धर्म गुरुओं से इस बात के लिए अधिकार लेता था कि क्या वो अपने राज्य पर अधिकार कर सकता है। राजा को यहाँ सुल्तान कहा जाता था और राज्य को यहाँ सल्तनत कहा जाता था, और वही सुल्तान अपने धर्म गुरुओं से उस राज्य के ऊपर अधिकार करने के लिए, राज्य करने के लिए कुछ राइट लेता था, और ये खलीफा और धर्म गुरु बाकायदा उसे एक सर्टिफिकेट दिया करते थे, एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बनाकर दिया करते थे, जो सर्टिफिकेट इनकी तरफ से उस सुल्तान को सल्तनत पर राज करने के लिए दिया जाता था, और जो धर्म गुरुओं के सर्टिफिकेट के आधार पर सल्तनत पर राज किया करते थे उन राजाओं को यहाँ सुल्तान कहा जाता था। यानी भगवान के बीच में और राजा के बीच में ये बड़े बड़े धर्म गुरु हुआ करते थे, जो बिचौलिए के रूप में काम करते थे और अपने आप को भगवान का एजेंट बताते थे। ये दौर तो था सुल्तान का। इसके अंदर आप लोगों को देखोगे पूरा गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। ये लोधी वंश तक का जो टाइमिंग है, लोधी वंश की जो टाइमिंग है, यहां तक गुलाम से लेकर के लोधी तक की जो टाइमिंग है, यानी अगर आप देखते हैं 1206 से लेकर के 1526 पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार से लोधी वंश समाप्त हुआ, 1206 से लेकर के और 1526 तक का जो टाइमिंग है ये सुल्तान का टाइमिंग है, यानी सल्तनत का टाइमिंग है। सल्तनत का टाइमिंग है, सुल्तान की टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ राजा नहीं सुल्तान हुआ करता था, और सुल्तान मुस्लिम धर्म के धर्म गुरुओं से प्राप्त सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी सल्तनत पर राज करता था। यहाँ आप देख लोगे चाहे गुलाम वंश के लोग हों, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बलबन जैसे लोग, और या फिर रजिया इसके अंदर आ जाती है, तुगलक वंश में सारे लोग आ जाएंगे, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग आ जाएंगे, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, सारे के सारे जो हैं ये सल्तनत में आते हैं। अब बात करते हैं बादशाह की। बादशाह जैसे सल्तनत का मतलब सल्तनत पर राज करने वाला व्यक्ति सुल्तान हुआ करता था, वैसे ही बादशाह का मतलब क्या है? बाद का मतलब होता है आफ्टर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर, और शाह का मतलब होता है भगवान, या मुसलमानों की लैंग्वेज में कहें तो अल्लाह, यानी भगवान के बाद। ये कहते हैं कि जब बाबर ने भारत के ऊपर राज करना शुरू किया तो बाबर का जो वंश था वो सल्तनत के आधार पर नहीं बल्कि रियासत के आधार पर चलता था। उसके जो लोग होते थे, उसकी जो सोच होती थी, वो सुल्तानों के आधार पर नहीं थी। वो जो ऊपर, जैसे एक प्रकार से यहाँ आप लोग मुस्लिम के अंदर अल्लाह लिखेंगे, नीचे जो वो खलीफा लोग होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, और उसके नीचे जो राजा के पास जो राइट होता था, या फिर जिसे हम सुल्तान कहते थे, बाबर जैसे लोगों ने या बाबर डायनेस्टी ने, मुगल डायनेस्टी ने शुरुआत करी कि उन्होंने खलीफा जैसे लोगों को बीच से निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि खलीफा वलीफा कुछ नहीं है, या तो हम हैं या भगवान है, यानी बादशाह, यानी हम शाह के बाद आते हैं। शाह का मतलब यह अल्लाह माना जाता है, और बाद का मतलब है अल्लाह के बाद आने वाले बादशाह। ये शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। बादशाह जो टाइटल है वो आप लोगों को यहाँ से मिलता है, मुगल डायनेस्टी से बादशाह की शुरुआत होती है, और गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक आपको सुल्तान देखने को मिलते हैं। ये दोनों में एक बेसिक कंसेप्ट का अंतर है। यहाँ आपको देखना है जो सल्तनत पर धर्म गुरुओं के सर्टिफिकेट से राज करते थे वो सल्तनत कहलाए, और जो भगवान से डायरेक्ट अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानकर राज करते थे वो बादशाह कहलाए। यानी यहाँ बिचौलियों का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन यहाँ बिचौलिया ही सब कुछ हुआ करते थे, यहाँ कोई कनेक्टिविटी और किसी की नहीं होती थी। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीजीएल से लेकर के यूपीएससी तक, एसएसटी से लेकर के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बादशाह। देखिए अब बादशाह की बात जहां तक है, पहला बादशाह कौन होगा? पहला, अगर मुगल वंश से बादशाह की शुरुआत होगी तो मुगल वंश का फाउंडर बाबर रहा, तो यानी कि जितने जैसे अकबर बादशाह है, हुमायूं बादशाह है,
ठीक है, बाबर बादशाह के नाम से जाना गया, औरंगजेब को उसी नाम से जाना गया, जहांगीर जैसे बादशाह हुए, शाहजहां का नाम भी इसी लिस्ट में गिना गया, और बाद में आप देखोगे बहादुर शाह जफर तक ये सिलसिला चलता रहा। तो आखिरी बादशाह तो खैर बहादुर शाह जफर रहा ही, जिसे 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गिरफ्तार करके रंगून जेल में भेज दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मुगल डायनेस्टी का जो टाइमिंग है, ये पूरा बादशाहत का टाइमिंग है, और पहले गुलाम से लेकर के लोधी वंश तक जो है वो सारे का सारा सल्तनत, यानी आखिरी सुल्तान अगर कहेंगे तो 1526 में जो व्यक्ति मारा गया इब्राहिम लोधी बाबर के हाथों, वही इब्राहिम लोधी आखिरी सुल्तान था और बाबर पहला बादशाह था। ये दोनों में एक बेसिक अंतर है। इसी तरीके के, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अंतर है वो आपको एस्टिमेट और आइडिया पर नहीं, बल्कि प्रूफ और फैक्ट पर पता होना चाहिए, ताकि आप किसी को बता सको, किसी को समझा सको, एग्जाम में उसका फायदा उठा सको, और अपने तथ्यों को आप फैक्ट के आधार पर रख सको। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने और सुनने में सामान्य होती हैं, लेकिन उनकी जड़ बड़ी गहरी होती है। ऐसे ही कई सारे तथ्य हम हर रोज लेकर आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि कौन से हमारी सीरीज में है। अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक लगते हैं या कोई ऐसे मुद्दे लगते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे टॉपिक हैं कुछ, तो आप हमें कमेंट करिए। आपके हर टॉपिक का सॉल्यूशन यहाँ किया जाएगा। आप लोगों को हर तरीके से एजुकेट करना, हर तरीके से अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अगर आपको समझ आया है, पसंद आई है वीडियो, तो एक लाइक तो बनता है, और अगर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें पूछा करें ऐसी चीजें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि दूसरे लोग कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। किसी भी स्टडी मटेरियल, कंपटीशन एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके मटेरियल मंगवा सकते हैं। बाई कॉरियर ऑल ओवर इंडिया में हम लोग भेजते हैं। और बाकी क्लासेस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों की तैयारी भी होती रहे, एग्जाम क्रैक भी हो जाए, और ज्ञान में बढ़ोतरी तो रोज होनी होती है, क्योंकि हम सभी सीखने की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं। धन्यवाद। शुभकामना।